एकल अभियान के तत्वाधान में प्रथम राष्ट्रीय खेलकूद समारोह का समापन पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि श्री जयवीर सिंह, मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति उत्तर प्रदेश सरकार तथा कार्यक्रम अध्यक्ष श्री नंद किशोर अग्रवाल जी तथा उपस्थित अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों एवं टीमों को एकल अभियान द्वारा खेल आयोजन समिति के प्रबंध किए गए मेडल एवं ट्रॉफी से तथा पुरस्कार धनराशि से सम्मानित किया गया। उद्बोधन में कहा गया कि देश के माननीय प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्वरूप इन खिलाड़ियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मिल रहा है। भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा पुरस्कार भी मिलने चाहिए। इसका मुख्य कारण खिलाड़ियों को अवसर की कमी, इसे दूर करने के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है। एकल अभियान संगठन के द्वारा 27 संभागों से आए हुए नन्हे नन्हे खिलाड़ी को देखकर सभी अभिभूत थे। जो लोग फोटो खिलाने के बाद समय गाड़ी है एकल की तरफ से जो प्रथम खेल समारोह का आयोजन किया था जिसका समापन है, क्या कहना चाहेंगे? इसका पहला प्रयास था, ये कितना सफल रहा? भारत नाम राष्ट्रीय भारत, भारत गांव में बसता है और गांव के बच्चे ये भारत के नेता बनने की क्षमता रखते हैं। केवल खेल नहीं, हर क्षेत्र में बस उनको प्रोत्साहन चाहिए, उनको स्नेह चाहिए, उनको आशीर्वाद चाहिए, उन पर विश्वास करो। एकल अभियान ने उन पर विश्वास किया और हम आशा करते हैं कि खेल के माध्यम से हम नहीं केवल ओलंपिक में जीतेंगे बल्कि भारत के चेहरे को भी बदलेंगे। आज भारत में केवल कॉन्वेंट में पढ़े हुए लोग प्रशासन में जा रहे हैं जिनके जीवन में कोई संस्कार नहीं, कोई हिंदुत्व नहीं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गांव के बच्चे जिनके जीवन में संस्कार है वो हमारे प्रशासन के IAS ऑफिसर बनेंगे, हमारे MLA MP बनेंगे और एक दिन हल चलाने वाला व्यक्ति ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे चाय बेचने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, हल चलाने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? उस दिन की हम कामना करते हैं। सबको नमस्कार, धन्यवाद। चैनल देशपर्यटन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।